नाउ वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बारान रहमत। ज़रा इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं इस्लाम और साइंस के थ्रू, यानी साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स जो हमारी दीनी अहकामात के हवाले से हैं, वो भी बड़े अहम हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा ज़ियाउल हक, और आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपको कई कल्चर्स में नज़र आएगा, लेकिन इसकी खसूसी अहमियत हमें नज़र आती है तिब नबी और सीरत नबी के रोशनी में। हम बात कर रहे हैं कैलूले की, यानी दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने की अहमियत। और मुख्तलिफ कल्चर्स में अगर देखा जाए, यूरोप में इसको काफ़ी नज़र आता है हमें ये, स्पेन में सियस्टा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करना। इसके क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा ज़ियाउल हक। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ज़िया साहब, आम तौर पे लोग कहते हैं, इसमें बड़ा दो राय मौजूद है। कुछ लोग समझते हैं कि खाना खाकर आराम अगर करेंगे तो सुस्ती और आ जाएगी, उस वक्त हमें और चहल पहल करनी चाहिए, एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर हम तिब नबी और सीरत नबी के तवस्सुल से देखते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना तनावल करके थोड़ी देर आराम करते थे। तो ज़रा कैलूले के बारे में बताइए कि इसकी क्या साइंटिफिक अहमियत है। ये कैलूला जो है, जिसको हम लोग, जिस तरह आपने जिक्र किया कि स्पेन में इसको सियस्ता कहा जाता है, जैसे पूरी दुनिया में इसको पावर नैप कहा जाता है जी। तो ये एक मिड डे नैप होता है जो दिन के बीच में इंसान लेता है जी। और इसका असल मकसद ये होता है कि आपकी पूरी जो बॉडी है वो एक तरह से रिचार्ज हो जाती है। सही। और इसके बेशुमार किस्म के हेल्थ बेनिफिट भी हैं। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये जरूरी नहीं है कि खाना खाने से बाद में हो, ये पहले भी हो सकता है। रफली आप इसको अगर कहें तो बेस्ट जो ऑप्टिमम टाइम होता है इसका, वो सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक का जो दोपहर का टाइम होता है, इसके बीच में कहीं पे भी आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लें, तकरीबन 20 मिनट्स आप कह लें जी। तो ये बहुत आइडियल होगा, और आपके पूरे ओवरऑल बॉडी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, आपकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, आपकी बॉडी जो है उसको रिकवर करवाने के लिए। और फिर ये जो छोटा सा टाइम आप निकालते हैं, आप कह लें अबाउट 20 मिनट्स, इससे क्या होता है कि आप दोबारा से आपकी वही एनर्जी आ जाती है जो सुबह जब इंसान उठता है अपनी पूरी रात की नींद के बाद, वही लेवल ऑफ एनर्जी आपका आ जाता है, तो फिर आपकी एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसकी साइंटिफिक वजह क्या है ज़िया साहब, कि ये जो हमें दोबारा बूस्ट ऑफ पावर मिलता है, इसकी वजह क्या बनती है? क्योंकि आमतौर पर जब हम 7 या 8 घंटे की नींद की बात करते हैं, तब तो हम कहते हैं हम डीप स्लीप में जाते हैं, आपकी बॉडी टोटली रेस्ट करती है। इस 20 मिनट में जब आप डीप स्लीप में नहीं जा रहे तो बॉडी रिचार्ज कैसे हो रही है? जी देखिए, स्लीप के हम 3 कैटेगरीज हैं, इसको हम इस पे डिवाइड करते हैं जी। एक होती है जो 90 मिनट्स एंड अबव है, इसको हम बोलते हैं रेम साइकिल में जब आपकी बॉडी चली जाती है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। तो जब 90 मिनट्स एंड अबव की स्लीप होती है, इसको हम बोलते हैं ये रेम साइकिल वाली स्लीप होती है। उससे पहले 40 मिनट एंड अबव की जो स्लीप होती है, इसको हम डीप स्लीप कहते हैं, जहाँ पे आपकी जो है ना बॉडी अपनी रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करती है। और इससे कम जो 20 मिनट की स्लीप होती है, या 15-20 मिनट्स आप कह लें रफली, ये होती है लाइट स्लीप। ये स्लीप जो है ना आपकी बॉडी को इस तरह से रिचार्ज करती है कि जो आपकी बॉडी की असल रिक्वायरमेंट थी, कि आप जो है वो एक तरह से आपकी बॉडी पूरी स्टेट ऑफ रेस्ट में गई, और उसके बाद दोबारा से समझें कि आपका सिस्टम जो है वो किसी ने ऑफ किया है उसके बाद ऑन किया है। तो वो जो आप समझे ना कि आपकी बॉडी को जो एक रीबूट मिला है, वो इस 20 मिनट में मिल जाता है। अगर आप इस स्लीप का दुरानिया बढ़ा देंगे, मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट से ऊपर जाएंगे, 30 मिनट क्रॉस कर जाएंगे, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर मसला ये होगा कि अगर आप उसके बाद उठने की कोशिश करेंगे तो आप आधी ड्राउजी हालत में उठेंगे। अच्छा, तो एक चीज की थोड़ी सी वजाहत चाहूंगी ज़िया साहब। लोग अक्सर ये समझते हैं कि सियास्टा लेना, या अगर आप कैलूला की तरफ जा रहे हैं तो आपने बहुत हैवी खा लिया है, तो वो जो खाने की खुमारी है उसकी वजह से आपको नींद आ रही है। तो क्या ये फितरी तौर पर हमें खाने के बाद नींद आने लगती है, इसलिए कैलूले का हुक्म दिया गया है? देखिए, खाना खाने के बाद वैसे तो होता ही है कि आपका बॉडी जो है ना वो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सारी एनर्जी लगा रही होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग अफ्तारी के बाद जब एकदम से लेथार्जी पैदा होती है, तो एकदम ये रिकमेंड करते हैं कि आप खुराक कम खाएं, बहुत ज्यादा मत खाएं, क्योंकि जब आप ओवर ईट करते हैं तो वो जो सारी एनर्जी आपकी बॉडी की वो उसको डाइजेस्ट करने में लग रही होती है, जिसकी वजह से आपको फिर एक थोड़ी सी लेजीनेस फील होती है। अगर आपने दोपहर को एक लाइट सा खाना खाया, और उसके पहले भी आप सो सकते हैं, बाद में भी सो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप सो जाते हैं तो आपकी बॉडी को वो पूरा जो एक रिचार्ज जो आपको रिक्वायर्ड था वो आपको मिल जाता है विदाउट गेटिंग ड्राउजी। तो अगर आप मतलब इसको लंबा करेंगे दुरानी को, या आप ओवर ईट कर लेंगे, तो फिर वो जो कैलूले के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। फिर आपको जो है ना आप आधे
नींद की हालत में उठेंगे, फिर आपकी वो उसको रिकवर करने के लिए आपको 40 मिनट और लग जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल जिया साहब आपसे करना चाहूंगी, टाइमिंग आपने जैसे खुद कहा कि सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक कभी भी कैलुला या एक छोटा सा पावर नैप लिया जा सकता है। 3 बजे का वक्त बड़ा मुझे अहम लग रहा है, क्योंकि वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि असर और मगरिब के दौरान सोना नहीं चाहिए, तो क्या इन दोनों चीजों की कोई आपस में निस्बत है? जी बिल्कुल है, जिस तरह मैंने बताया कि अभी इसके बाद अगर आप रात को मतलब 3 के बाद अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो उससे आपकी फिर जो रात के स्लीप पैटर्न जरा वो बुरी तरह डिस्टर्ब होंगे। okay. तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप शाम को मतलब 4-5 बजे के बाद चाय कॉफी का सिलसिला बंद कर दें। अगर आप एक हेल्दी स्लीप चाहते हैं, अगर आप अपनी स्लीप को मैनेज करना चाहते हैं सही तरीके से, और अगर आप ऑप्टिमम लेवल के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो 11 to 3 तो मैंने आपको रफली टाइम बताया, और इसका दौरानिया जो है बजट का ख्याल रखना है कि 15 to 20 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। शुरू में आपको शायद अलार्म लगाना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपकी बॉडी इतनी यूज्ड हो जाएगी कि आप खुद बहुत उठ जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया राजा ज़ियाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं लुब्बे लुबाब इस कॉन्वर्जेशन का ये था कि लंबी तान के ना सो जाएं, वो जो कहते हैं ना कि पूरा घोड़े बेच के सो गए आप, वो ना करें, एक छोटा सा पावर नैप और उसके बेनिफिट्स आपके लिए बहुत सारे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन पाकिस्तान जनाब नदीम अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और हमारे साथ मौजूद होने का। और अब जैसा कि आपको है कि हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम उलमाए दीन से भी रुजू करते हैं और मुख्तलिफ आपके मसाइल, मुख्तलिफ सवालात उनके सामने रखते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं फराना उवैस साहिबा और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा हुसैन मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला आराम के हवाले से चल रहा था, तो फराना आपा पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी, लोग ये समझते हैं और यकीनन ये बड़ी बाबरकत साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन शुरू में भूख और प्यास से ज़्यादा आपको रमज़ान में अपने स्लीप पैटर्न्स को एडजस्ट करना होता है, तो किस तरह हम करें कि शुरू में तो आपने बहुत ज़्यादा इबादतों का सिलसिला कर लिया, आप तरावियों के लिए चले गए, लेकिन उसको सस्टेन कैसे करें 30 दिन तक, उसका क्या उसके लिए रहनुमाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की दोपहर की नींद के हवाले से, जिसको हम कैलुला कहते हैं। उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करती चलूँ कि जैसे कि हमें कहा गया ना कि रात 8 घंटे की नींद जो है वो हमारे लिए रात की बहुत ज़रूरी है, और सुबह का जो टाइम है फजर का, उसकी हमारी उम्मत जो है यानी नबी करीम की जो उम्मत है उसके लिए फजीलत रखी गई है। तो हम चूँकि फजर से उठे हुए होते हैं और जब जोहर का टाइम होता है उस वक्त तक 6 घंटे या 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके होते हैं, तो बॉडी को एक ज़रूरत होती है आराम करने की, तो इसलिए ये एक जो फितरी ज़रूरत है हमारी जिस्म की उसके मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया। हम अगर उस पर थोड़ा सा खा लें या ज़्यादा खा लें, मकसद ये होता है कि हम चूँकि वर्किंग में आ चुके होते हैं और हमारी पूरे जिस्म को ब्लड सर्कुलेशन में खड़े रहने की वजह से या मुसलसल बैठे रहने की वजह से ब्लड फ्लो हमारा रुक रहा होता है, तो इस कैलुला से ये होता है कि जब हम लेटते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा जो ब्रेन और से लेकर नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जब वो सर्कुलेट हो जाता है प्रॉपरली, उसके लिए आधा घंटा काफ़ी होता है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें एनर्जी आ गई है। सही। तो असल जो चीज़ है वो ब्लड सर्कुलेशन है जो लेटने से हमें मिल जाता है, और 20 मिनट और आधा घंटा जो है वो काफ़ी होता है, उसकी वजह से हमें एनर्जी जो है वो दोबारा हमारी बाहर हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जो खून की गर्दिश है जो रवानी है आपकी बॉडी में, वो एक रेस्टेड फेस में चली जाती है, और बड़े बड़े एथलीट्स और चैंपियंस जिनका काम ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का है, उसमें आप देखते हैं कि उनकी रूटीन में ये बड़ा रेगुलरली होता है। बिल्कुल सही। और ये बात के जैसे कि हम लोग रातों को जाग रहे होते हैं इबादात के हवाले से रमज़ानुल मुबारक में, और हम लोग जो है वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे होते हैं कि जितनी भी इबादत कर सकते हैं और जो कुछ हम अल्लाह के हुजूर पेश कर सकते हैं करें, कभी नवाफिल पढ़ रहे हैं, हम तरावी भी पढ़ रहे हैं और कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान पाक सुनाया करते थे और वो रात का वक्त हुआ करता था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये सुन्नत भी हासिल कर लें। तो एक फितरी अमल है जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा अमल मिला और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और जब हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसके तमाम जो फ़ायदे हम हासिल कर रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम इंसान का बनाया है कि वो जैसे जैसे जो जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो जब हम रमज़ानुल मुबारक से रूटीन में वापस आते हैं और फिर हम ये महसूस करते हैं कि अब हमारी वो इबादत जो एक्स्ट्रा थी, वो एक्स्ट्रा इबादत का अब टाइम जो है वो थोड़ा हमें रिलीफ मिल गया है उसमें, तो हम फितरी तौर पे हमारा जिस्म जो है वो उसका आदी हो जाता है, और अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में वो सलाहियतें रखी हैं कि हम ज़्यादा जागने से या कम जागने से जो चीज़ें हमारे अंदर कमी या ज़्यादा हो रही होती है वो फिर बैलेंस भी उसी तरह से हो जाती है। टर्न अराउंड, यानी अगर आप चाहें तो वाकई इस माह मुबारक को अपनी
नई लाइफस्टाइल के लिए, नई अच्छी आदतों को अपनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नदीम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। खुबैब फाउंडेशन, और इस दफ़ा जैसे हम बात कर रहे थे कि ना सिर्फ इबादतों का, नफली और फ़राइज़ का लोग एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खल्के खुदा की खिदमत भी यकीनन इबादत का दर्जा रखती है। तो ज़रा हमें कुछ बताइए खुबैब फाउंडेशन की इस वक्त की जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका दायरा कार है, उसके हवाले से हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। देखिए, इस्लाम ने जो हमें सबक दिया है उसमें जहाँ पर इबादत का एक दर्स है, उसके साथ साथ जो हसूल है असल में अल्लाह की रज़ा का, वो मखलूक की खिदमत में है। बिल्कुल, अगर इबादत को ही सिर्फ अपना मकसद रखते तो फरिश्ते, कई फरिश्ते ऐसे हैं जो रुकू की हालत में हैं, जो क़याम की हालत में हैं, जो सीधे की हालत में हैं, और वो इबादत में मसरूफ़ और मशगूल हैं। तो अल्लाह ने जो इंसान में फ़र्क पैदा किया वो ये है कि इंसान इंसान के काम आता है। रमज़ान के महीने में बहुत ही उम्दा अमल मखलूक की खिदमत है, और वैसे तो सारे साल ही है। अल्लाह को पाने का सबसे आसान रास्ता और ज़रिया असल में मखलूक की खिदमत का है। खुबैब फाउंडेशन इस सिलसिले में जो जिन एरियाज़ में काम कर रही है वो है यतीम बच्चों की खिदमत, और इसी तरह कैदियों की खिदमत, इसी तरह से रिलीफ का काम, यानी जो मुस्तहकीन हैं उनकी मदद करना। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, युतिमूना ताम आला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। सही। तो हम रमज़ान में इस वक्त बहुत मैसिव रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि हमारा स्कर्दू में चल रहा है, गिलगित में भी चल रहा है, वज़ीरिस्तान में भी चल रहा है, कश्मीर में भी है, जनूबी पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, इस तरह अब सिंध में थर के इलाकों में भी रिलीफ की एक्टिविटीज़ एक्सटेंसिवली हम दो तरह से कर रहे हैं कि कुक फूड भी दे रहे हैं और फूड राशन पैक भी दे रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, तो इसमें थोड़ी सी वजाहत चाहूँगी, ये रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा होता है या ये जो मुस्तहकीन या जिनकी आप लोग इमदाद कर रहे हैं ये कोविड अफेक्टीज़ हैं, जिनका रोज़गार कोविड की वजह से मुतासर हुआ है? इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ये दो तरह के हैं, एक तो कोविड इफेक्टिव हैं और इसी तरीके से बेवाएँ हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो खातून जिसका कमाने वाला नहीं है या वो फैमिली जिसके अंदर कोई माजूरी या परेशानी आ गई, उनको सबसे पहले देखा जाए। बिल्कुल, तो हमारा और इसी तरह से कोविड की सूरत हाल में जिनके रोज़गार का मसला है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सही, तो राशन की सपोर्ट हमारी की प्रायोरिटी इन लोगों के लिए है। बिल्कुल, तो आपको यहाँ डेफिनेटली बुलाने का मकसद ये भी था कि जो लोग आपके इदारे से रब्ता कायम करना चाहें, दोनों सूरतों में अगर वो इमदाद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कम्यूनिटीज़ में इसको किया जाए तो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। मुख़य्यर अफराद जो हेल्प आउट करना चाहें, जो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहें, उनके लिए भी आपकी डिटेल स्क्रीन पे होंगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, सवालात भी हम लेते रहेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बारान-ए रहमत। जी जनाब अली, हम बात कर रहे हैं आज मुख्तलिफ़ मौजूआत पे, लेकिन खुसूसन इस्लाम में तालीम की अहमियत पे भी। और क्योंकि जिस तरह के हमारे बाकी मेहमान भी आपके सामने ये बात कर रहे थे कि बड़ा फ़र्क आया है गुज़िश्ता एक साल में, जब हमारी ज़िंदगियां काफ़ी बदल कर रह गई हैं। पहले हम जब भी अपनी अख्तार की तनज़ुली माशरे में देखते थे या फुकदान देखते थे तो कहते थे जी तालीम तो आम है लेकिन तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त जब घरों में ही लोग मौजूद हैं, तालीम और तरबियत दोनों ही आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, तो किस तरह माशरा इन हकायक की तरफ अब रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये हमारा ओवरआर्चिंग सवाल है। अलामा मसूदी साहब की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूँगी। मसूदी साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हम अक्सर जब लोगों की मदद करते हैं तो हम उनको या तो राशन देते हैं या हम उनकी माली मदद कर देते हैं या इसके अलावा अगर उन्होंने इलाज के लिए मदद चाहिए होती तो इलाज करवा देते हैं, जितनी जो उसका हक है कि हम इतने स्कूल्स लगाएं, इतने कॉलेजेस को कायम करें, उस तरह हमारा तालीम पे स्ट्रेस नहीं होता, ये हम रेक्टिफाई कर सकते हैं या आपके ख्याल में इसको हम करेक्ट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अलैहि वसहाबिहि अज्मईन।
اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. بس مختصر بات تو یہی ہے کہ اسلام نے وہ دعوت دی ہے کہ جس کو ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ علم کا حصول جو ہے وہ ضروری ہے, صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, خواتین کے لیے بھی. جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی اور آپ کا ایک سوال بھی تھا کہ روٹی دینے سے روٹی پکانا سکھا دیجیے, روٹی بنانا سکھا دیجیے, روٹی ڈیولپ کرنا لوگوں کو سکھائیں, یہ زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ ہے کہ ہم کسی کو رزق دیں. ایک مرتبہ ہم حصول رزق کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیں انسان کو, یہ شاید زیادہ مؤثر کام ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یقیناً بھوک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی معاشرے میں چل نہیں سکتا ہے یا کام نہیں کر سکتا ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو اس کے لیے بھی وہ بھی اپنا کار خیر اپنی جگہ بہت محترم ہے. لیکن اگر اس کو اولویت دی جائے تو اولویت اس بات میں ہے کہ آدمی کو رزق دینے کے بجائے حصول رزق کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جائے معاشرے کو, اس سے معاشرے کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. اور خواتین کے حوالے سے آج کل میں ایک بات کہوں گا کہ اسلام نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی, آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی کہ طلب علم جو ہے وہ فریضہ ہے تمام مرد اور خواتین پہ. پہلے یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ہاؤس وائف, اب تو ہاؤس میڈ کا بھی کانسیپٹ کرونا نے لا کے ڈال دیا ہے, تو کام تو سارا کا سارا آپ گھر سے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو آتا ہو. یعنی ارننگ کا جو طریقہ ہے وہ اب پوری دنیا میں کیا ہے, ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گھر سے بیٹھے ہوئے کام کر رہی ہے, تو گھر میں رہتے ہوئے بھی خواتین اپنے گھر کے کسب معاش کے معاملے میں آگے بڑھ سکتی ہیں, بشرطے کہ ہم اس کو تعلیم دے دیں یا تربیت دے دیں. بہرحال یہاں پہ میں کہوں گا, اور تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے تو بس میں اتنا بھی کہوں گا کہ قیلولہ کی بات آئی تھی, تو قیلولہ جو دیکھیے انسان کے دو حصے ہیں زندگی کے, ایک صبح کا اور ایک رات کا حصہ ہے. رات کے حصے میں سکون ہے اور دن کے حصے میں قیلولہ, یعنی انسان کو باڈی سے زیادہ ذہن کو ریفریش کرنا ہوتا ہے. یہ قیلولہ ریفریشمنٹ کہہ لیجئے کس کا ہوتا ہے, دماغ کا, اور دماغ کے لیے کہتے ہیں کہ 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ ریسٹ نہیں چاہیے اس کو, اس کو چند منٹ 10-15-20 منٹ بھی مل جائے, اگر سلیپ ساؤنڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہو جائے تو دماغ میں آپ کا پوری طریقے سے دوبارہ بالکل علامہ صاحب, اور وہ بھی اگر آپ وقت نہ نکال سکے تو کہا جاتا ہے کہ 2-3 منٹ نکال کے ڈیپ بریدنگ کر لیں کہ آپ کے ذہن تک اگر پراپر آکسیجن ہی پہنچ جائے تو بہت غنیمت ہے. لیکن موضوع پہ واپس آتے ہیں, جب ہم تعلیمات کی بات کر رہے ہیں تو فرانا آپا ہمارے سامنے تو مثال موجود ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے کامرانی سے نوازا غزوہ بدر کے بعد, تو جو کفار پرزنرز آف وار تھے تو ان سے باقاعدہ کوئی اور ہدیہ لینے کے بجائے کہا گیا کہ آپ جو دنیاوی علوم ہیں آپ کے پاس, اگر آپ کا میتھس اچھا ہے یا آپ کو کوئی اور طریقہ اکاؤنٹنگ بہتر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کو سکھا دیجئے. تو ہمارے ہاں ہمیشہ یہ مغالطہ یا یہ پرابلم کیوں رہتی ہے کہ جی ہاں تعلیم کا حکم ہے لیکن یہ دینی تعلیم کے حوالے سے ہے, دنیاوی اور دینی تعلیم کا ہم فرق کیوں کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے بھی علم کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں بتایا, تو میں بھی علم کے حوالے سے تھوڑی سی ایک بات کر کے پھر آپ کے سوال کا جواب کی طرف آتی ہوں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں علیم ہوں اور ہر علیم کو دوست رکھتا ہوں, یعنی علم میری صفت ہے اور جو اس صفت میں آئے گا, جو علم حاصل کرے گا وہ میرا دوست ہوگا. تو گویا جو علم ہے وہ اشرف صفات اور افضل کمالات ہے, یعنی دل کو روشنی دیتا ہے, وسعت دیتا ہے اور دل کی صفائی کرتا ہے. تو اس کو گویا عبادت پر اگر ہم مرتبے کے حساب سے دیکھیں تو ایک فضیلت بھی حاصل ہے ایک رتبے کے حساب سے, اور وہ اس طرح سے کہ جو عابد ہوتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کے نفس کو صرف فائدہ ہو رہا ہوتا ہے عبادت کرنے سے, لیکن جو ایک عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ پورے عالم کو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے علم کی اہمیت سے انکار جو ہے وہ ممکن نہیں, لیکن جب علم جو ہے وہ عمل کے سانچے میں آ جاتا ہے, یعنی آپ کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ تعلیم یافتہ کے ساتھ تہذیب یافتہ بھی کہلاتے ہیں, تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور پھر وہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر البیرونی بھی آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو جابر بن حیان بھی نظر آتا ہے, اور پھر جب آپ اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح ملتے ہیں, اور آپ کو علامہ محمد اقبال ملتے ہیں, آپ کو حکیم محمد سعید جیسے لوگ ملتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بات پر زور دیا
और आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी का जो मिशन रहा, आप सीरत रसूल उठा के देख लीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी डंडे का, डांट का या अपने तेज़ लहजे का इस्तेमाल नहीं किया तरबियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत जो है वो अपने अखलाक से की है। आपने हर बात में जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते थे आप उसको कर दिया करते थे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत मिसाल और अखलाक के आला दर्जे की मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से यह तरीक़ाकार रहा कि जब कोई चीज़ आपके पास तोहफ़तन आया करती, खाने पीने की कोई चीज़, तो आप तमाम असहाब में उसको बांट दिया करते थे। एक साहब जो बहुत दूर से आए थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और ग़रीब भी थे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मौसम की क्या कोई फल या क्या चीज़ लेके जाऊँ, तो उन्हें अंगूर नज़र आए जिसको वो ख़रीद सकते थे। तो वो अंगूर का एक खोशा लेकर आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में मोहब्बत से मिले और वो उनको तोहफ़तन पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत को देखते हुए एक उसका दाना उठाया और चखा, उसके बाद आपने दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, छोटा सा खोशा था आपने पूरा खा लिया। वो साहब बैठे बातें करते रहे, आप मोहब्बत से उनकी बातें सुनते रहे, जवाब देते रहे, और उन्होंने बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, ख्वाहिशमंद, अपनी तमाम बातें करके मोहब्बत से चले गए। जब वो तशरीफ़ ले गए तो सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमेशा दूसरों को भी देते हैं और फिर आप थोड़ा सा खाते हैं, इस बार आपने हमें नहीं दिया। तो आपने फरमाया कि जब मैंने पहला दाना चखा तो वो बहुत खट्टा था, अगर मैं तुम लोगों में तकसीम कर देता और तुम्हारे चेहरे पर नागवारी आती या किसी के मुंह से ये निकल जाता कि ये बहुत खट्टा है, तो उस शख्स को तकलीफ़ होती जो बहुत थोड़े से पैसों से वो मेरे लिए तोहफ़ा लेकर आया था, तो उसका दिल ना टूटे, उसका दिल ख़राब ना हो, इसलिए वो सारे खट्टे दाने मैंने खुद खा लिए। तो गोया ये तरबियत का वो अंदाज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को कन्वे भी कर दिया करते थे, और यही अहले बैत अतहार का तरीका कार रहा। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो नरमी के साथ और शाइस्तगी के साथ लीडिंग बाय एग्जांपल, ये एक बहुत ही आज तक हम समझते हैं कि जो बेहतरीन तालीमात दी जाती हैं, जो दिलों पर असर करता है, वो यही तरीका है। नदीन साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे, मुख्तलिफ आपने चीज़ें बताई जो कि खुबैब फाउंडेशन के इनिशिएटिव्स रहे हैं, क्या उसमें तालीम के हवाले से भी वजीफे दिए जाते हैं? यानी अगर कोई ज़रूरतमंद है, आपने जैसे बताया कि यतीम और मिस्कीन बच्चों की मदद की जाती है, उनमें से कोई तालीम का ख्वाहिशमंद है, क्या उनको उनकी स्कॉलरशिप्स का भी इंतज़ाम करती है खुबैब फाउंडेशन? जी, हमारे पास 11 स्कूल कॉलेजेस हैं जो हमारे अपने इदारे हैं यतीम बच्चों के लिए भी और जो मुस्तहकीन हैं बच्चे उनके लिए भी, जिनमें गिलगित में, स्कर्दू में, मुजफ़राबाद, हरिपुर, मुजफ़रगढ़ और सरगोधा में हमारे इदारे कायम हैं। हमारे यहाँ जो तालीम है वो तीन शोबों में तीन चीज़ों को फोकस रख के दी जाती है। हम किसी बच्चे को तालीम जब देना चाहते हैं तो हम सबसे ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर तवज्जो हो, उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल फ़िटनेस पर तवज्जो हो, फिर उसकी इल्मी उस पर मेहनत करते हैं, यानी दिमाग पर मेहनत करते हैं कि उसकी एकेडमिक फ़िटनेस हो। तो ये तीन चीज़ें होंगी तो इंसान को नफ़ा होगा। अगर आजकल के दौर में जैसे इस कोविड के बाद की सूरत हाल में आप ये देखें कि फ़िज़िकल चैलेंज भी आ गया है और इसी तरीके से एकेडमिक चैलेंज भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी, तीनों चीज़ें फैली हुई हैं। लोग अब कंप्यूटर पे आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे 12-12 घंटे बेचारे बैठते हैं कंप्यूटर पे, तो उनके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर बीमारी भी और वबा भी फैली हुई है। तो हम पिछले शुरू ही से फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और इसी बात को बल्कि नदीन साहब मैं आगे बढ़ाऊंगी, आपने बिल्कुल सही इशारा दिया कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल आपकी स्ट्रेंथ होना बड़ी अहम है। और आज जब ऐसा ज़माना है कि अगला पल हम उसके बारे में वाकिफ़ नहीं है, बड़ी अनसर्टनटी का दौर है, हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए, तो सबसे अहम गुर जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो है खुश रहना और इत्मीनान रखना, सब्र शुक्र के साथ रहना। इसमें दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है, इसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अगर ज़िंदगी का मकसद ये है कि सब्र किया जाए, शुक्र किया जाए, सीधे रास्ते पे चला जाए और लोगों की मदद जारी रखी जाए, तो ये तो वो बेसिक उसूल हैं जो हमारा दीन, हमारी शरीयत हमें सिखाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आज की एक अनसर्टन माहौल की दुनिया है जिसमें हमें अगले पल का, अगले लम्हे का नहीं पता,
तो किस तरह अपने अंदर ठहराव लेके आए तालीम का। इस समय एक आपको फैक्ट बताती चलूँ, मुख्तलिफ स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि इस वक्त जो बच्चे स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं उनमें से 60% ने ऐसे प्रोफेशंस या पेशों में जाना है जो इस वक्त तक दरियाफ्त ही नहीं हुए हैं। अगर हम अपनी भी बात करें, आज से 10 साल कबल शायद इंटरनेट का सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो जितने लोग इन शोबों से मुंसलिक हैं और उनका रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ है, आज से 10 साल पहले वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कोई राह होगी उनके लिए। तो इसलिए बड़ा अहम है कि बच्चों के लिए आप उनको एक ऐसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। तो जो उसूल हैं वो बड़े अहम होने चाहिए, दयानतदारी के, सच बोलने के, अपने दिल की बात को सामने लेके आने के, अपने खौफ को पार करने के और किसी नई चीज़ को ट्राई करने के लिए। तो ये उसूल हम उनकी ज़िंदगियों में कैसे ला सकते हैं, ये सवाल मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में तमाम ही अध्ययन के लोग भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आज हम रूहानी एतबार से और अपने दीन के एतबार से इस पर रहनुमाई हासिल करते हैं। मसूदी साहब, खुश रहने का गुर अगर हम बच्चों को सिखाना चाहें तो उनको किस तरह इसकी तालीम दें? आजकल तो बच्चा कंपेयर करता है अपने फ़ोन को दूसरे के फ़ोन से, अपनी गाड़ी को दूसरे की गाड़ी को। अगर जब ट्रैवल करते थे तो अब्बा वो लोग बिजनेस क्लास जा रहे हैं, हम इकोनॉमी क्लास जा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों की तरबियत सब्र और शुक्र के हवाले से कैसे की जाए? अल्लाह बेज़िक्र अल्लाह तत्मईन्नल क़ुलूब, ये इत्मीनान कल्ब ही खुशी का सबब होता है। अगर हमारे अंदर खुद इत्मीनान कल्ब नहीं होगा तो फिर उस सूरत के अंदर हर लिहाज से एहसास कमतरी भी आती है, फिर क्या है, इंसान परेशान रहता है या उसको खुशी मयसर नहीं आती जो हकीकी खुशी है। क्योंकि हकीकी खुशी हम ये समझते हैं कि शायद दुनिया के अंदर हकीकी खुशी, अच्छा इसका बहुत गहरा ताल्लुक वालदैन से भी है कि क्योंकि वो खुद बार बार नाशुक्रापन करके गोया ये शुक्र की मंजिल और सब्र की मंजिल जो है ये खुश रहने का वो फ़लसफ़ा और फार्मूला है। इसीलिए कहा गया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ये नमाज और रोज़े के ज़रिए से तुम क्या करो, अपने आप को खुश रखो, मुतमईन रखो। और एक बात मैं ज़रूर कहते हैं बच्चों के हवाले से भी, यकीनन ये पहले वालदैन सीखेंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये कि माँ बाप झूठ बोल रहे हो तो बच्चा कैसे झूठ नहीं बोलेगा। माँ बाप जो है खुद खुश नहीं रह रहे हैं तो वो वालदैन बच्चे कैसे खुश रहेंगे। वालदैन बार बार बात बात पर नोक झोंक उनके घर में चल रही है तो वो बच्चों में खुशी का पहलू ख़त्म हो जाता है। अगर वही वालदैन में, माँ बाप में मोहब्बत हो, प्यार हो, यानी उनस हो, रवादारी हो, शफ़क़त हो, इल्म हो, तहजीब हो, तरबियत हो, तो फिर क्या होता है कि बच्चे भी उसी नहज पर ढलते हैं। यही अहले बैत का तरीक़ेकार भी था कि उनके घर में बच्चे तीन तीन दिन के फाके करते थे लेकिन इत्मीनान कल्ब जो था, सुकून और ख़ुशी जो थी कि बाहर नाना की बात मस्जिद में सुन के आगे फिर अम्मी को फौरन, अभी आपको इंटरनेट की बात कर रही थी, तो उस ज़माने में कम्युनिकेशन का कितना मजबूत तरीका माँ और बेटे ने डेवलप किया होता है। नहीं, इमाम हसन जो है वो पहले मस्जिद नबी में बैठते थे, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उसे सुनते थे, और घर में आकर के इससे पहले कि कोई और आए और वो हदीस या वो वाकया या वो बात रसूल की सुनाए, इमाम हसन फौरन वालदा को सुनाते थे। तो एक दिन हज़रत अली ने जब ये बहरहाल पूछा कि आपको कैसे पता लगा, कहा कि आपके आने से पहले पहले हसन आते हैं और आकर के मुझे सब बता के चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी सुनना चाहूँगा। एक दिन उन्होंने, हज़रत अली ने जल्दी आकर के छुप के आड़ में बैठ गए कि आज मैं भी सुनूं कि हसन किस तरीके से उठती, कि खुशी आप पूछ रही है ना, ये उस बच्चे की खुशी है क्योंकि उसको माशरा वो मिला हुआ है, उसको कल्चर वो मिला हुआ है कि वालदैन इस बात में राजी है। तो वो बहरहाल वो आ करके सुना रहे हैं लेकिन अभी सुनाते हुए लुकनत आ रही है, कह रहे हैं कि मामा वो यानी अब मैं वालदा कहूँ और आजकल के ज़माने में चूँकि इस लिहाज से मैंने सिर्फ वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शायद बाबा मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी ज़बान में लुकनत आ रही है। यानी ये खुशी भी है, इत्मीनान भी है। और इसीलिए हज़रत अली ने एक सवाल भी किया, यहाँ बच्चे के हवाले से जब बात आई तो देखिए बच्चा कैसे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग होगा तो खुश रहेगा, फेल होने वाला बच्चा कैसे खुश रहे, नाकाम बच्चा कैसे खुश रहे, ये तो मुमकिन नहीं। उसको कामयाब बनाइए, कामयाब इंसान अगर आप बच्चे को बनाएंगी, और इसमें मर्द से ज़्यादा, यानी मैं एक बात कहता हूँ कि बाबा से ज़्यादा मम्मा की जिम्मेदारी है, बच्चे की जो भी तरबियत है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माँ का है। यही वजह है इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरबियत के लिए भी हज़रत अली का नाम नहीं आता है,
حضرت فاطمہ زہرہ کا نام ہے بلکہ آپ نے جو واقعہ سنایا اس کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف علی نے ایک جملہ کہا بتانا چاہتے تھے لیکن سننے والا بھی موجود تھا آج کل تو بچہ کچھ بتانا چاہتا ہے تو اس کو سننے والا ہی کوئی نہیں ہوتا حضرت علی نے ایک جملہ کہا بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری تربیت کے حوالے سے کہ اپنے بچوں کو آئندہ زمانے کے لحاظ سے تیار کرو اچھا یعنی ماضی علم ہے حال علم ہے اب مستقبل یہ فیوچر جو بنے گا یہ تمہاری کیا ہے علم اور عقل کی ادراک سے بنے گا تربیت کے ذریعے سے بنے گا اور یہی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس معاشرے میں آ کر کے گویا کہ اپنے بچوں کو اگلے زمانے کے لیے تیار کریں جو آپ کہہ رہی تھی کہ ابھی کون سا زمانہ آنے والا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ زمانہ کیسا ہوگا لیکن کچھ سنہری اصول کچھ گائیڈنگ پرنسپلز بچوں کو ضرور دیں تاکہ وہ اس کو آگے لے کے چل سکیں الماس آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں اور اس کے بعد ہی ہماری گفتگو کی محفل اسی طرح جاری رہے گی بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ پڑھا اور ایک نظر ذرا ڈالنا چاہیں گے کچن پہ بھی ذرا دیکھیں ہم نے مجھے لگ رہا ہے کہ تمام تر کاروائی ہو چکی ہے اور اب میرے خیال میں پلیٹنگ بھی ہو چکی ہے جی جناب علی تو آپ پاسا ریبیاٹا بن چکا ہے اچھا یوزلی یہ ٹماٹو سوس میں نہیں ہوتا آپ نے کم ڈالی ہے نہیں بالکل ایک ہلکا سا کلر اور فلیور دینے کے لیے وہ کہتے ہیں نا دیسی ماں کا ہاتھ نہ لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے یہاں وہ واحد پاستا ہے جی جس کے اندر آپ کو تڑکا بھی نظر آئے گا کبھی کبھار اس کے اندر آپ کو کڑی پتا بھی نظر آئے گا دیکھا یہ آ گیا نا یہ ہمارا والا کڑی پتا یہ نہ ہو تو پتا نہیں چلتا نا مطلب فلیور نہیں آتا دیکھیں بالکل بلینڈ ایسے کیا کھانے کا مزہ ہے بٹ ان کا اپنا فلیور ہے بٹ یہ دیسی ماں کے ہاتھ کا ہے اس کو ایسے سمجھ لینا کہ ہم اتنے مہمان نواز ہیں ہم کسی بھی مہمان کو اپنا بنا لیتے ہیں بالکل صحیح جو ہمارے چکن ٹیمپورا جو کہ آپ فش میں بھی بنا سکتے ہیں بالکل ریڈی ہے اس کی سوس بھی ریڈی ہے ساتھ میں ہمارے پاس لذیذہ کا پورا برانڈ ہے جس میں ہمارے پاس گاجر کا بھی ہے گجریلا بھی ہے کھیر بھی ہے اور شیر خورمہ بھی ہے عید میں ہمارے کام آئے گا جناب جی لذیذہ کا برانڈ بالکل اور سیون اپ ہے جس کے ساتھ آپ کریں اپنے دل کی بات مشروب مشرق روح افزا اور زبردست آپ کو ڈرنک بھی بنانے لگی ہیں آج جی پلان یہی ہے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک ڈرنک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کہ گلاب کے ساتھ ہے اور وہ سیون اپ کے ساتھ مکس کر کے دوں گی وہ آپ لوگوں نے لازمی اپنے پاس عید کے دسترخوان میں ضرور شامل کریں اچھا یہ مجھے بھی بہت پسند اگر آپ دبئی وغیرہ اکثر جائیں یا مڈل ایسٹ میں آپ کر جانا ہو تو اس کو روز پیزا کے طور پہ جو کہا جاتا ہے آئی لو روز پیزا اور اس کے لیے آپ ایسنس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روز سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں یا فریش روز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک تو آپ نے یہ بات کی اور دوسرا ایک ہم بناتے ہوتے ہیں دودھ جو کہ مغلائی دودھ کہلاتا ہے بٹ وہ گلاب کے ساتھ بنتا ہے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا آئی لو آل تھنگز روزز میں اپنے گھر میں اس بارے میں بہت ہی بدنام ہوں کہ آپ میرے لپ بام سے لے کے باقی لوشن سے لے کے کھانے پینے میں بھی ہر چیز میں آئی لو روز ان ایوری شیپ اینڈ فارم تو میری تو چاندی ہو جائے گی جس دن یہ بنے گی بٹ وی ول لک فارورڈ ٹو دیٹ پلیٹنگ ہو چکی ہے جی ریسیپی کارڈز آپ دیکھ چکے ہیں کوئک ریسیپیز ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو جہاں ہم ٹیچنگس کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں ہمارا یہ جو شوق ہے کھانے پینے کا سلمہ اس نے ہمیں بہت ساری پیلٹس کو کیوزینس کو ایکسپلور کرنا سکھایا ہے اور چاہے آپ کے پاس پہلے زمانے میں ککری بکس ہوا کرتی تھیں آپ وہ استعمال نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد پروگرامز آئے پروگرامز نہیں تو اب آپ انٹرنیٹ یوٹیوب پہ جا کے کوئی بھی نئی ڈش سیکھ سکتے ہیں سدرا ہر قسم کا مطلب جو ریسیپی ہے نا چاہے وہ کسی بھی کوزین سے ریلیٹ کرتی ہے بس اسکریچ سے سکھائی ہوئی ہوتی ہے آپ یوٹیوب سے لے لیں اور باقی یہ کہ ہم لوگ جو آپ کو کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا فیوژن کر کے دینے کی آپ انہیں ٹرائی کریں اب کوکنگ کرنا کوئی مشکل نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی چلتا رہتا ہے تھینک یو سو مچ سلمہ اور ڈرنک کے لیے ہو سکتا ہے میں واپس آؤں آپ کے پاس الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جلدی جلدی کچھ دو تین سوالات ہم کر لیتے ہیں فرحانہ پر جو کوسچنز آئے ہیں لوگ پڑھائی کے حوالے سے کیونکہ ہمارا آج کا شو تھا تو ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں پریشرز ہیں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شادی کے لیے خاص ایج کا بریکٹ ہے اس کے بعد اچھے رشتے بچیوں کے لیے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں تو اگر بچی کی خواہش ہے پڑھائی کرنا والدین کی خواہش ہے شادی کرنا اب دونوں میں تکرار ہے کہ جی دونوں ہی چیزوں کے احکامات دیے ہوئے ہیں کھانا گھر بھی بسانا ہے اور تعلیم بھی حاصل کریں فوقیت کس کو دی جائے اس سے انکار نہیں کہ علم تو فرض ہے حاصل کرنا لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی دونوں کے لیے فرض ہے اور رسول پاک نے خود جو ہے اس کے ساری زندگی انہوں نے محلے میں انسانیت بنا کر بھیجے گئے تو ساری زندگی تعلیم ہی دی ہے اگر تو والدین اس میں اس کا ساتھ دیں اور بچی کی تعلیم مکمل ہو جائے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور کیونکہ بعد میں اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کو وہ اگنور نہیں کر سکتی
और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी भी जल्दी शादी हो गई थी तो मैंने अपनी बाकी तालीम जो है वो शादी के बाद मुकम्मल की। लेकिन मैं समझती हूँ अगर बच्चियाँ ये जज्बा लेकर आएँ कि ठीक है वालदैन की अपनी ज़िम्मेदारी भी है और एक वक्त पर उसको पूरा कर देना अच्छा होता है, लेकिन ये शौक़ इतना स्ट्रॉन्ग अपने अंदर रखें कि शादी के बाद भी हमने पढ़ना है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरा बेबी मेरी गोद में होता था और किताब मेरे हाथ में होती थी, तो ये अगर हम कर सकते हैं तो यकीनन बाकी बच्चियाँ भी कर सकती हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है, शौक़ है कि मुझे इसे मुकम्मल करना है, देखिए ये आपकी जो तालीम है ना, ये आपका सबसे बड़ा आपका साथी वही है जो आपका काम आपके काम आती है और ज़िंदगी के हर स्टेप पे आपकी मदद और रहनुमाई कर रही होती है। वालदैन आपके साथ साथ सारी ज़िंदगी नहीं होते, लेकिन ये इल्म जो आप सीख लेते हैं ये हर जगह आपकी रहनुमाई करता है, आपके लिए मददगार होता है, आपको ऑप्शंस देता है, आपको बताता है कि आपने ज़िंदगी में क्या कुछ आगे करना है और कितनी आसानी के साथ कौन कौन सी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि तमाम चीज़ें जब आप पढ़कर अपनी अमली ज़िंदगी में आते हैं तो आप अपने बच्चों की रहनुमाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। Absolutely. तो मैं तो समझती हूँ कि वो माशरे ज़्यादा अच्छे हैं जहाँ पर बच्चियाँ ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, और जिन माशरों में बच्चियों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, एक अच्छी माँ नहीं बनाई जाती, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माशरा अच्छा होगा। तो हमें इक्वली इन दोनों को लेकर चलना है, बेटियों को और बेटों को, कि हम दोनों अच्छा, को अच्छा समाजी रवैये हैं और उसमें कई हमें मनफी पहलू भी नज़र आते हैं। नदीम साहब आपके पास आना चाहूँगी, खुबैब फाउंडेशन के तवसुत से जब आप कई ऐसे मुस्तहक घरानों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आपने अभी यहाँ पर बेवाओं का जिक्र किया, एक खातून है उसके पास महदूद वसाइल हैं, वो बेवा भी है, अगर उसका बच्चों का साथ है, उसमें बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, और अक्सर फिर माएँ सिलेक्शन कर रही होती हैं, वो समझती हैं कि बेटे को अगर तालीम दी तो इसने तो आगे जाके रोज़गार कमाना है, हमारे घर का कफील बनेगा, बेटियों का क्या है, उनकी तो शादी कर दी जाएगी। क्या इस मनफी रवैये में, समाजी सोच में अब तब्दीली आ रही है? देखें, इसमें तब्दीली यकीनन आ रही है। हमारा इसमें बड़ा अजीब तजर्बा है, वो ये है कि हमारे पास जो बच्चियाँ हैं जिनको नहीं पढ़ाते, दूर दराज के इलाके से बेवाएँ, तो वो उनको हमारे पास जमा करवा देते हैं। तो बच्चियां हमारे पास होती हैं, तो जब बच्चियां पढ़ लेती हैं तो एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि उनके अजीज़ रिश्तेदार आ जाते हैं कि जिस बच्ची की शादी तो हम अपने पास करेंगे। अब बच्ची हमारे पास ऐसी भी होती है जिसने एमफिल कर लिया है, मास्टर कर लिया है, तो अब जो बच्चे हैं वो उनके लेवल के नहीं मिलते। सही, ये आपको मैं बताऊँ कि दूर दराज के इलाके की बच्चियाँ ज़्यादा अच्छी मेहनत से पढ़ रही हैं, लोकल स्कूल्स में जाती हैं। आप अगर आप इसको रेशियो को देखें तो ज़्यादा तालीम में इस वक्त बच्चियों की तालीम ज़्यादा है। यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप रेशियो देखें तो आजकल बच्चियों का नंबर जो है वो इनकी निस्बत ज़्यादा है, कि ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं पढ़ाई में आई हुई हैं। अब इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इसमें दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी आदमी और औरत दोनों इसमें यकसानियत में तालीम हासिल कर रहे होंगे। मसला जो जिस चीज़ का चैलेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम साहब, एक तो अपॉर्चुनिटी होती है कि क्या उनको स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलेगा, सीट मेरिट की बेसिस पे मिले, फिर उसके बाद आगे रोज़गार के लिए क्या समाजी रवैये उनको इजाज़त दें। लेकिन आपने जिस पहलू की तरफ निशानदेही की है वो बड़ा अहम है कि अक्सर वालदैन ये भी समझते हैं कि फिर जोड़ का रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मर्द हज़रात इस तरह एम फिल नहीं कर रहे हैं, पी एच डी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चियाँ अगर पढ़ लिख जाएंगी तो फिर उसको उनके लिए बजाय रास्ते खुलने के, लोग अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए उनको मजीद ताने देने लगते हैं, यानी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको वीकनेस बना दिया जाता है। बहुत अहम आपने बात की, बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई विश के हमारे पास वक्त होता तो हम इस पर मजीद भी बात करते। फराना आपा, आपकी आमद का, मसूरी साहब आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया, और रहनुमाई का भी बहुत शुक्रिया। सलमा थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह हम ये रोज़ वाली ड्रिंक की रेसिपी बाद में भी लेंगे आपसे, लेकिन बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन जी। आखिर में प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं एक दफ़ा फिर लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि जहाँ आप अपनी ज़कात और इमदाद को मुख्तलिफ इदारों को देते हैं, जिसमें इलाज मुआलजा भी कराया जाता है, मुस्तहकीन की मदद भी होती है, राशन भी दिया जाता है, तालीम को अपनी फोकियत दें, उसको एक तरजीहात में शामिल करें। वो इदारे जो इस तरह के मुस्तहक बच्चे और बच्चियों को तालीम दे रहे हैं उनकी इमदाद का सिलसिला जारी रखें ताकि बच्चों के ख्वाब जिंदा रह सकें। इसी के साथ जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अलमास, आपसे गुजारिश होगी कि आज प्रोग्राम का अख्ताम भी दुरूद पाक से अगर किया जाए तो वह आपकी खूबसूरत आवाज़ में। बेशक।